आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। लीवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन या इसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, निम्नीकरण विभाजन। निम्नीकरण विभाजन किसकी बात कर रहे हैं हम, निम्नीकरण विभाजन या इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, आरडी कह देते हैं इसे शॉर्ट में कभी कभी। तो ये देखिए पहले हम ये देख लेते हैं आरडी जो है या रिडक्शन डिवीजन हमारा है या निम्नीकरण विभाजन है ये कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निम्नीकरण विभाजन को ही हम बोलेंगे गाइस क्या, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। क्या बोलेंगे इसे, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अब यहाँ पे हम इसे रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोशिका दो बार इसमें डिवाइड होती है और जब डिवाइड होती है तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। मात्र कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में आधी रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे अर्धसूत्री विभाजन, संख्या आधी रह जाती है। अब ये आपको याद रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है गुणसूत्रों का, तो इसीलिए ऐसा हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये हमने सारे टर्म्स को बता दिए। अब हम देख लेते हैं कि ये होता कहाँ कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये होता है। अगर हम बात करें लीवरवर्ट या मॉस की, जो हमारे क्या होते हैं ब्रायोफाइटा, क्या है लीवरवर्ट, लीवरवर्ट एवं ब्रायोफाइट या मॉस, ये दोनों ही एग्जांपल हमारे किसके हैं, ब्रायोफाइटा के। अगर हम इसमें देखें तो ये जो निम्नीकरण या अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसे हमने आरडी बोला है, रिडक्शन डिवीजन, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाएगा गाइस कैप्सूल की जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है या स्पोर मदर सेल, वहां पर होता है ये डिवीजन। किस लिए होता है, देखिए ये वाला जो डिवीजन होता है मेल फीमेल गैमेट मिले उसके बाद क्या है, अर्धसूत्री विभाजन और जायगोट की उत्पत्ति के लिए होता है ये। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जायगोट डिवीजन जो होता है मेल फीमेल या हमारे नर मादा युग्मक मिले फिर उसके बाद युग्मक बना, फिर उसमें जो डिवीजन होता है वो दो तरह से होता है कोशिकाओं में, या तो माइटोसिस से होगा या मियोसिस से होगा। तो हमारा रिडक्शन डिवीजन यहाँ पर या मियोसिस जो होगा वो कहाँ पर होगा, कैप्सूल की बीजाणु मात्र कोशा में, बीजाणु मात्र कोशा या इसी को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें दिया था इसमें फर्न, क्या दिया था गाइस फर्न, फर्न में जो है ये वाला रिडक्शन डिवीजन जो है आरडी जो हमने बोला इसको, ये कहाँ पर होता है, ये हो जाएगा हमारा स्पोरेंजिया की, क्योंकि फर्न में स्पोरेंजिया पाई जाती है, यहाँ पर कैप्सूल पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया की बीजाणु मात्र कोशा में, की बीजाणु मात्र कोशा में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और फिर इसके बाद क्या है, जिम्नोस्पर्म में देख लेते हैं कहाँ पर होता है, जिम्नोस्पर्म जो हमारे हैं इनमें जो है रिडक्शन डिवीजन ही वाला कहाँ पर होता है, ये भी होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, जो जिससे क्या बनते हैं पराग बनेंगे और एंथर, जब मेगा में होगा तो क्या बनेंगे स्पोर बनेंगे या मेगा स्पोर बनेंगे। यहाँ पर दो होते हैं, यहाँ पर अलग अलग पाए जाते हैं, देखिए कहाँ पर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर डिवाइड थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती है संरचना, स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया में जब ये होगा डिवीजन तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बन जाएंगे पराग या हमारे एंथर और एवं किसमें होगा मेगा स्पोरेंजिया, किसमें होगा मेगा स्पोरेंजिया
स्पोरेंजिया। अब मेगा स्पोरेंजिया में होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे हमारे स्पोर्स, और वो भी कौन से स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोरेंजिया में क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे स्पोर। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। अब देख लेते हैं गाइस एंजियोस्पर्म में कि एंजियोस्पर्म में किस तरह से होता है। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म में ये जो रिडक्शन डिवीजन होता है, आरडी बोलते हैं हम इसको, ये होता है हमारा कहाँ पर, एंथर की माइक्रोस्पोरेंजियम में। यहाँ पर उल्टा होता है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, वहां पर होता है ये, कहाँ पर होता है, एंथर की, एंथर या पराग की माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम रेंजियम में एवं और अंडाशय की मेगास्पोरेंजियम में, अंडाशय की मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम अंडाशय की मेगास्पोरेंजियम में ये पाया जाता है। तो ये थे हमारे रिडक्शन डिवीजन या निम्नीकरण डिवीजन हम इसे बोलते हैं। किसमें हमने बताया आपको, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। तो आई होप गाइस ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।